अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री। आज हमारे पास चैप्टर है दाल, सबक नंबर 10, पेज नंबर 11। धे के बाद अब हम पढ़ेंगे दाल, ठीक है। सबसे पहले है हमारी लाइन, वो डॉक्टर आहे, ये डॉक्टर है। ही दाग आहे, ये अंगूर हैं। वो ढक्कण आहे, वो बढ़ई है। हिया डेल आहे, ये मोरनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नीचे होता है इस पेज पर पढ़ो वही लिखो, यानी वो अल्फाज हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे जो डाल से आते हैं या जिनके आखिर में डाल आता है। तो किस किस में डाल हमारा यूज़ होता है? डेल, यानी हमारे पास मोरनी, उसमें डेल यूज़ होता है, डाल शुरू में आता है, डाल के नीचे एक नुक्ता। इसी तरह दिगो, धप्पो, दाह, चंदो, खंडो, घिंदो, तो ये सारे वो वर्ड हैं जिनके शुरू में दाल आ रहा है या आखिर में दाल आ रहा है। और दाल की पहचान आपने कैसे करनी है कि जिसके लास्ट में अगर दाल आ रहा है तो उसके नीचे नुक्ता लगा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये दाल है। जिस तरह इससे पिछले चैप्टर में हमारे पास धे था, तो धे में मैंने आपको समझाया था कि दाल की ही शेप की होती है धे, लेकिन उसके ऊपर होते हैं दो नुक्ते, ठीक है ना। तो अब आपको बेटा बस ये पहचान करनी है कि दाल, धे, डाल, इसी तरह दूसरा वर्ड है धे, तो ये इसको हमने कैसे पहचान करनी है और किस तरह नुक्ता लगाना है। अगर नीचे नुक्ता लगा हुआ है डेल, तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये नीचे जो नुक्ते वाला जो दाल है ये डाल है, इसकी आवाज़ हमने डाल से निकालनी है। डेल, डेल माने मोरनी, चंडो, अगर आखिर में डाल आ रहा है और उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये डाल है, यानी कि चंडो, चंडो माने चांद, सही है ना। तो इसी तरह हमें जो वर्क आपको मैंने दिया हुआ है ये सारा वर्क आपने करना है। पढ़ो या लिखो में पहले मैं आपको खुशखती करवाया करती थी, चार वर्ड में आपसे कह दिया करती थी कि आप खुशखती कर लीजिए। एक पेज पर आप लोग लाइंस ड्रॉ करते थे और उन जो है वो वर्ड्स की खुशखती किया करते थे, लेकिन फिलवक्त जो है वो आपके पास जो अभी PDF में वर्क है बस आप उतना कर लीजिए और इस काम को याद भी कर लीजिए। तो इस काम को याद करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो हमारे पास सेकेंड मंथली टेस्ट होगा, उसके सिलेबस में मैंने आपको ये दिया हुआ है चैप्टर, तो उसमें भी हमारे पास अल्फाज मायने होंगे, तर्जुमे होंगे, अखर जोड़ियो, अखर तोड़ियो होंगे। तो अखर जोड़ियो तोड़ियो में भी आपको वही सारा काम आपको आता होगा, बल्कि आप तो याद ही हो गया होगा कि डाल प्लस ये प्लस लाम, इसको आप जोड़ के लिखेंगे तो इस तरह देल लिख देंगे। इसी तरह जब आपको तोड़ना होगा तो आप डाल प्लस ये प्लस लाम इस तरह करके लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अखर तोड़ियो और जोड़ियो तो बहुत अच्छी तरह करने आ गए होंगे। और बेटा इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। अलिफ बे जितनी भी आपकी शुरू में पेजेस में हमारे पास पेज नंबर 1-2 पे अलिफ बे है, वो तमाम अलिफ बे की भी प्रैक्टिस करते रहें, उसको याद करते रहें इन डिटेल। आपके पास इस तरह चैप्टर वाइज हमारे पास काम आ रहा है तो ये भी हम आगे करते रहेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलवक्त जो अलिफ बे है इस विंटर वेकेशन में आप उसको भी याद कीजिए और इन चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। ये सब सेकंड मंथली टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।